गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्टली इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो। होने वाला है मदर्स डे स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज है 10th मई और आज है मदर्स डे। सो पहले तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। और मेरा थर्ड ब्लॉग होने वाला है। सेकंड ब्लॉग मैंने शूट किया, वो अभी तक आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि चैलेंज सीरीज स्टार्ट हो गई थी इसी वजह से, बट वो भी जल्द आ जाए। इससे पहले मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया है, सो अगर आपने वो ब्लॉग अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक इन कर लेना। सो अभी हो रहे हैं 10:30 AM और मैं अभी से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक बटन पर प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्टली तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था एंड देन अब हम आए हैं थोड़ा बाहर मौसम देखने के लिए। सो आप देख सकते हो मौसम कैसा ख़राब हो रहा है, तो यहाँ के मौसम का वैसे कुछ पता चलता नहीं है, कभी धूप आती है तो कभी बादल छा जाते हैं। सो या और अभी मैं एक पोस्टर बना रही हूँ कोरोना से रिलेटेड, जिसमें सावधानी वगैरह लिखी है। एंड मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो में अपना फेस मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगी। रीज़न ये है कि फेस की हालत बहुत ज़्यादा वाली बुरी हो रखी है लॉकडाउन के चलते, और फेस पे 12 बजे हैं, इसलिए मैंने सोचा कहीं आप ये ना बोलो कि अल्लाह माफ़ करे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। सो अब लंच टाइम हो गया है और आज लंच में बन रहा है चिकन, क्योंकि मदर्स डे है तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो चिकन बनाते हैं। सो या आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए हमने सोचा चलो कुछ न्यू चीज़ें ट्राई की जाए। सो इसमें आपको ज़्यादातर रेसिपी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने ज़्यादातर रेसिपीज ही ट्राई की थी एंड बीच बीच में थोड़ा आपको दिखेगा कुछ एक्टिविटी वगैरह। सो अभी हो रहा है टी टाइम और यहाँ टी हो गई है रेडी, जिसको मैं लेके जा रही हूँ। और अब बारी है केक की। सो हमने डिसाइड किया था हम एक केक बेक करेंगे, जो कि होगा मदर्स डे स्पेशल केक। सो या हम ओरियो का केक बनाएंगे। सो आप देख सकते हो चीनी वगैरह सारा मिला देनी है। सो आप चाहो तो इस केक को बेक कर सकते हो, ये बहुत इजी केक है, इसमें सिर्फ ओरियो और चॉकलेट्स एंड इनो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो इनो की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो इनो आप उसमें ऐड कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि हमने इसको बेक करने के लिए रख लिया था, मीन्स जैसा मम्मी ने बनाया था मेरे बर्थडे में सेम वैसे ही बनाया, बट वो बेक ही नहीं हुआ। मीन्स एक डेढ़ घंटे तक हम देखते रहे कि बेक होगा, बट केक बेक हुआ ही नहीं। एट लास्ट हमने डिसाइड किया कि अब इसको ओवन में ही बेक करेंगे एंड देन हमने उसे बेक किया और केक बन ही गया था। बस उसके साइड में थोड़ा जल गया था, जिसको हमने कट कर लिया था और या केक बन गया था अच्छे से, मीन्स टेस्टी हो रहा था। सो आप चाहो तो बेक कर सकते हो और ध्यान रखना कि मीन्स क्वांटिटी वगैरह का। सो या आप देख सकते हो यहाँ मैं केक बेक करने की पूरी मीन्स किस तरीके से मैंने किया बेक, वो सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड आई होप आपको पसंद आएगा। और एक और बात, एक न्यू चैलेंजिंग वीडियो जल्द ही आने वाली है, जो कि स्पेशल होने वाली है क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ 3 गर्ल्स होने वाली है। सो पहले हमने डिसाइड किया था कि ये एक ग्रुपिंग चैलेंज की तरह रखते हैं, जैसे और चैलेंजिंग वीडियो है मीन जिसमें 7 या 8 गर्ल्स होंगे हम पूरी, बट लास्ट में हमने डिसाइड किया कि ये वीडियो और वीडियो से हटके रखते हैं। सो पहले हमने डिसाइड किया था कि इसमें 5 गर्ल्स रहेंगी, जो कि मेरी 5 बेस्ट फ्रेंड है वो, बट 2 गर्ल्स नहीं रह पाई किसी रीज़न से, इसलिए हमने डिसाइड किया चलो 3 गर्ल्स ही रह लेंगे इस वीडियो में। सो जल्द ही ये वीडियो आने वाली है, सो देखना मत भूलना, बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए। सो या
आप देख सकते हो हमने इसी तरीके से स्टीमर की हेल्प से सोचा कि ये बेक हो जाएगा, क्योंकि मेरे बर्थडे में भी मम्मी ने इसी तरीके से बेक किया था, बट नहीं हुआ इस टाइम, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। एंड बट लास्ट में हो गया था बेक जैसे तैसे करके। और अब हम बनाने जा रहे हैं क्रीम, जो कि होममेड क्रीम होने वाली है। सो इसके लिए हमने सिर्फ 3 चीज़ें ली, जैसे मिल्क, चीनी और बटर। सो ये बहुत इजी है, आप चाहो तो बना सकते हो घर बैठे ही। सो क्रीम तैयार हो गई है और अब हम करने वाले हैं योगा। सो ये हमने अपने रूटीन में क्वारंटीन में ही लाया है। आज का योगा और टाइम से अलग होने वाला है, क्योंकि बाहर हम योगा कर नहीं सकते थे क्योंकि बारिश हुई थी इस वजह से। सो हमने डिसाइड किया चलो रूम के अंदर ही करते हैं योगा। तो आप देख सकते हो केक आधा ही रेडी हुआ है और अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि एक दूसरी वीडियो भी जल्दी आने वाली है, जो कि एक वीक चैलेंज टाइप वीडियो होने वाली है, जिसमें कि मैं एक 7 डेज चैलेंज लेने वाली हूँ। सो वो वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो उसे भी देखना मत भूलना। और यहाँ हो रही है मोमोज की प्रिपरेशन। सो हमने डिसाइड किया था मोमोज भी बनाएंगे, और आप देख सकते हो इस टाइम पे केक बेक हो गया था। एंड अब हो रही है मोमो की तैयारी। सो हमने फर्स्ट तो उसकी स्टफिंग बनाई। सो यहाँ मैं मोमोज बना रही हूँ और आप देख सकते हो मोमोज स्टीम होने वाले हैं। मोमोज स्टीम हो गए हैं, सो ये अच्छे तरीके से पक गए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा वाले टेस्टी हो रहे थे, जैसे कि आप क्लिप में देख सकते हो, तो इस तरीके के ये बने थे, बट टेस्टी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। एंड देन हमने डिसाइड किया चलो मिनी समोसे भी बनाए जाए। सो उसके बाद हमने मिनी समोसे भी बनाए और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। सो इसमें बहुत ज़्यादा वाला टाइम चले गया था, क्योंकि हम 5 बजे से लेके और 9, 9:30 बजे तक हम बेकिंग और ये मोमोज वगैरह ही बना रहे थे, इस वजह से लेट हो गई थी। बट एट लास्ट हमने सब कुछ तैयार कर दिया था, तो अब आ रही थी सेलिब्रेशन की, जो कि था मदर्स डे सेलिब्रेशन। सो हमने यहाँ केक को डेकोर किया, जैसा कि आप देख सकते हो, चॉकलेट या कुछ जेम्स वगैरह से। सो डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट और अब बारी है सेलिब्रेशन की। सो अब चलते हैं। अभी बज रहे हैं 10:30 और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे प्लीज़ प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।